हेलो गाइस, अगर आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड बदलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। तो गाइस, चलो आपको बता देता हूँ कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद आपको ऊपर यहां पर प्रोफाइल फोटो दिखाई देगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके अलग अलग जीमेल अकाउंट हो सकते हैं, तो यहां पर जिस भी जीमेल अकाउंट का आपको पासवर्ड चेंज करना है उस जीमेल अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मुझे इस जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, तो यहां पर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दोबारा से जो भी आपका जीमेल अकाउंट है जिसका भी पासवर्ड चेंज करना है उसकी प्रोफाइल फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आपको मैंने योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल इन्फो का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पासवर्ड का ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पासवर्ड, तो आपको इस पर क्लिक करना है। पासवर्ड वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने पासवर्ड वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपके जो जीमेल अकाउंट होगा वो मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आपको जो आपका ओल्ड पासवर्ड है यानी कि पुराना पासवर्ड वो डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना पुराना पासवर्ड डालना है। अगर आपको पुराना पासवर्ड नहीं पता है तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं, उन वीडियोज़ को देख कर आप अपना पुराना पासवर्ड पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पुराना पासवर्ड डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना पुराना पासवर्ड डाल दिया है। जब आप पुराना पासवर्ड यहाँ पर डाल दें तो उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके सामने न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा, पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ चुका है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको अपना न्यू पासवर्ड डालना है, जो भी आपका न्यू पासवर्ड है। तो यहाँ पर मैं अपना न्यू पासवर्ड डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना न्यू पासवर्ड डाल लिया है। अब जब आपने जो न्यू पासवर्ड डाला है यहाँ पर, वही न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर कन्फर्म में डालना होगा। तो यहाँ से आपको सिंपली से इस पासवर्ड को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अगर आपको कॉपी करना नहीं आता है तो आप यहाँ से कॉपी ना करके अगर आप याद रख सकते हैं तो यहाँ पर ऐसे भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर दोनों जगह पे सेम पासवर्ड डाल लिया है। अब आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा है यू आर स्टिल साइनेड देयर डिवाइस आफ्टर चेंजिंग। ये बोल रहा है कि आप चेंज करने के बाद इसी जो आपका मोबाइल है इसी डिवाइस में आप इसे साइन इन यानी कि लॉग इन करके रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे आपकी जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं।